बहुत बहुत स्वागत है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। पावर इंजीनियर्स की जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जे एंड के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन, उसके द्वारा ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने की जा रही है। मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट अशोक दुबे साहब हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरी हमारे एमपी सिंह साहब, मेरे साथ राजेश्वर जम्वाल जी हैं प्रोविंशियल पब्लिसिटी सेक्रेटरी, पुरुषोत्तम जी हमारे, विपुल शर्मा जी और संजीव जी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार को हमेशा हम अपने मुद्दों और अपने इश्यूज के बारे में रियलाइज कराने के लिए करते हैं। इसी के साथ साथ आज हमारा जो पर्पस है कि हमें एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स को एक्नॉलेज और उनको हेल भी करना चाहिए। इसी की कड़ी में आज मैं कहना चाहता हूं कि 20 साल का जो रेगुलराइजेशन का ऑफ इंजीनियर्स का जो इशू था, श्री रोहित कंसल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिन्होंने पिछले एक साल से कड़ी मेहनत की, उनकी और उनकी टीम में डॉक्टर देशराज भगत जी एडिशनल सेक्रेटरी एचआरएफ, उनकी जो टीम के मेंबर्स थे बाकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विंग के, उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद एक प्रपोजल जो हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कहा था कि उसको रेगुलराइजेशन के लिए पुटअप किया जाए एस्टैब्लिशमेंट कमेटी में, वो आज फाइनली सक्सीड हुआ है और हमारे 20 साल से जो रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स का इशू था वो सेटल हुआ है। आज जो लोग 20 साल पहले चीफ इंजीनियर्स की कुर्सियों से रिटायर हुए थे लेकिन सब्सटेंटिवली सिर्फ एडब्ल्यू की सैलरी लेते थे, वो आज 20 साल के बाद जो उनकी रेगुलराइजेशन जो है उसको किसी मुकाम पे जिसने पहुंचाया वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी श्री रोहित कंसल जी ही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने ऐसे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर पीडीडी में आगे भी रहने चाहिए क्योंकि इनकी वजह से आज जो है टर्न अराउंड हुआ है पावर सेक्टर का। आप देख रहे हैं इंप्रूवमेंट है पावर सिनेरियो की, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है और एम्प्लॉइज के वेलफेयर के भी मेजर्स लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों में आपको याद होगा डेली वेजर्स के लिए 24 लाख रुपए का एक्सक्रीशियर लीव जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने रिलीज करवाया है, उसको सैंक्शन करवाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ये एक लैंडमार्क स्टेप्स होते हैं जो कि सदियों में जो है डेकेड्स टुगेदर के बाद जो है ऐसा देखने को मिलता है। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि इनके आने की वजह से जो हमारे रिटायर लोगों थे जो 20-20 साल से रिटायर होके अभी भी सेक्रेटरी के दरवाजों पे अपने चक्कर लगाते रहते थे, उनके मसले जो है हल किए हैं। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत